आज हम रोस्टेड पोहा का चिवड़ा बनाएंगे। 250 ग्राम पतला पोहा लिया है, 5 कप पोहा है, ये पैन में डालेंगे और रोस्ट कर लेंगे। पैन को पहले गरम कर लेना है और फिर फ्लेम को लो करके पोहा को रोस्ट करना है। पोहा को हल्के हाथ से चला के रोस्ट करना है। पोहा को 5 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 3/4 कप सिंगदाना लिया है, 75 ग्राम जितना सिंगदाना है ये पैन में डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और सिंगदाना को तेल में फ्राई करेंगे। सिंगदाना अभी फूटने लगा है तो फ्लेम लो कर लेंगे। हाफ कप दाढ़िया है 50 ग्राम, ये डालेंगे। रोस्टेड चना दाल, सींग जब भी तेल में फ्राई करते हैं तभी अंदर फूटने की आवाज़ आती है, सींग फूटने लगती है, उसके बाद हमें दालियाँ अंदर डालना है। बीस काजू का 2 भाग करके लिया है, ये डालेंगे। 20 बादाम का भी इस तरह से 1 का 2 भाग कर लिया है, ये डालेंगे। 1/4 कप ड्राई कोकोनट की स्लाइस डालेंगे। काजू और बादाम थोड़ा लाइट गोल्डन हो तब तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को थोड़ी मीडियम कर लेंगे। एक टीस्पून जीरा डालेंगे। दो हरी मिर्ची को स्लिट करके चॉप कर लिया है, ये डालेंगे। मिर्ची का सीड्स निकाल लेना है। 10-15 करी पत्ता है, ये डालेंगे। मिक्स करके 1 मिनट रोस्ट करेंगे। 2 टेबलस्पून मगजतरी का सीड्स लिया है, ये डालेंगे। सारी चीज़ें तेल में बराबर रोस्ट हो जानी चाहिए। हरी मिर्च और करी पत्ता तेल में बराबर फ्राई हो जाना चाहिए, क्रिस्प हो जाए तब तक फ्राई करना है। काजू और कोपरा की स्लाइस में सब में लाइट गोल्डन कलर आ गया है। 2 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे। 1 टेबलस्पून तिल डालेंगे, लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 टी स्पून सॉल्ट डालेंगे या टेस्ट के अनुसार डालना है। मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें बराबर फ्राई हो गई है, ये रोस्ट किया हुआ पोहा डाल देंगे। हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे।
सारे पोहा पे येलो कलर आ जाए तब तक बराबर मिक्स कर लेना है। गैस को ऑफ कर देंगे। 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है। चिवड़ा थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए तो इसमें 1/2 टेबलस्पून पाउडर शुगर ज़्यादा डाल सकते हैं। चिवड़ा रेडी है, इसे एयरटाइट डब्बे में भर के 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं।